उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद अभी तक फरार चल रहे बाबा नारायण हरि का कठुमर उपखंड के सहजपुरा गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आलिशान आश्रम बना हुआ है, जहां बाबा नारायण हरि ने कई बार पूर्व में कई कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई हजारों के करीब श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। 2019-20 कोरोना काल में बाबा इसी आश्रम में 9-10 माह के करीब लगातार रहे। सहजपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों पर आने जाने से रोक लगी हुई थी और बाहर वाले श्रद्धालुओं को भी आश्रम में आने जाने की अनुमति दी जाती थी। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जो कि हाथरस में 121 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार बाबा ही है। बाबा को जेल होनी चाहिए। बाबा के आश्रम में गांव के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था और महिलाओं व लड़कियों को ही आश्रम में प्रवेश की इजाजत दी जाती थी। उन्होंने बताया कि आश्रम के अंदर क्या होता था यह किसी को नहीं बताया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर बाबा दोषी नहीं है तो बाबा को सामने आकर घटना का सामना करना चाहिए और पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। आश्रम के लिए जमीन बेचान करने वाले व्यक्ति का आरोप है कि आश्रम के लिए 1.5 बीघा जमीन ही बेचान की थी, जिस पर आश्रम बना हुआ है। आश्रम के सामने वाले हिस्से पर बाबा ने जबरन कब्जा कर सेवादार के लिए कमरा बना लिया। उन्होंने बताया कि यह जमीन सन 2008-09 के करीब मैंने बाबा की कमेटी के लोगों को बिक्री की थी, जिस पर आश्रम बनाने का कार्य 2010 में करीब शुरू किया गया। बाबा इस आश्रम में 2020 में आए और अच्छे से रह रहे थे। हाथरस का हादसा नेताओं की साजिश बताया गया। यहां बाबा के कई प्रोग्राम किए जा चुके हैं। यह आश्रम सन 2008-09 में बना है। राजेंद्र शर्मा सहजपुरा निवासी के अनुसार, भीड़ इकट्ठी करने वाला व सुरक्षा नहीं करना व सुरक्षा नहीं मांगने वाला ही दोषी होता है। खेड़ली में बाबा का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसका संचालन इसी आश्रम से होता था। बाबा की गाड़ी में सजी धजी 17-18 साल की लड़कियां ही होती थी। उन्हीं का आश्रम में प्रवेश था। आश्रम में क्या होता था यह किसी को नहीं पता। इनकी फोर्स भी बताई जाती है। क्या नाम है जी? आप यहाँ पर सेवादार के रूप में रहते हो ना? कब कब बाबा आए थे उसके बारे में बताएं हमारे लिए। एक सौ 121 के करीब लोगों की जान गई है और हाथरस में जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या बताएं? वो ये कोई साजिश है। हाँ, साजिश है। कोई ये तो द्वारा या किसी द्वारा साजिश हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। जो वो पहली बार हुआ, कई बार शत्रु साल हो गया हाथरस में। यहाँ पर कितनी बार उन्होंने प्रोग्राम किया है, जो सत्संग किया है? यहाँ पर कई बार प्रोग्राम होगा, 5-4 बार प्रोग्राम होगा। कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुई, काफी संगत आए, काफी जनता आती, कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, बहुत अच्छे रहे। कब ये आश्रम बना था यहाँ पर? ये आश्रम करीब 8-9 के में बना है। अच्छा, 8-9 में बना है। देखो, दोषी तो जो भीड़ को कलेक्शन करने वाला आदमी है वो खुद होता ही है भाई। उन्होंने आह्वान किया है, विशाल कुछ लगाया है, तो दोषी तो है ही इस चीज़ की कि उन्होंने इतनी पब्लिक को बुला करके उसकी कोई सुरक्षा नहीं करवाई या सुरक्षा नहीं मांगी, इसमें उनका दोषी होने का तो कारण है ही, तो वो दोषी तो खुद है ही। क्या सिस्टम रहता था जैसे बाबा ने यहाँ भी सत्संग किया है कई बार? सिस्टम ये रहते थे कि बाबा यहाँ आते थे तो बाबा के आने के साथ ही पूरा आती थी के साथ। हमारे यहाँ एक बार इनका विशाल का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें यहाँ बहुत सारी पब्लिक आई थी, बाहर से बसें भी आई थी, पूरा खेड़ली जो है वो बसों से, साधनों से और आदमियों से भर गया था। ये खेड़ली में भी सबको पता है, कस्बे में भी, और खेड़ली में इसका आश्रम हुआ लगा था। तो इसका जो कार्यक्रम रहता था वो हमारे यहीं से इस आश्रम पे से ही रहता था। ये यहीं से गाड़ी में बैठ के उसमें जाता था सत्संग में। तो इसके साथ में 17-18 साल की सजी धजी लड़कियां इसकी गाड़ी में रहा करती थी, उन्हीं को प्रवेश होता था, अंदर और किसी को प्रवेश नहीं था। वो लड़कियां जो हैं इसके अंदर जाती थी। अभी अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था ये इसकी कमेटी, इसकी बनी हुई है, कमेटियां बनी हुई हैं इसके, जो खुद की इसकी एक फोर्स भी बनी हुई है ऐसा कहते हैं। तो वो जो 10-5 आदमी जिनके हाथों में कुछ गनवन भी हुआ करती थी इसके साथ रहते थे,
और वही इसके साथ चला करते थे। तो अब ये अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था ये किसी को पता नहीं। कभी किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसको अंदर जाने नहीं दिया। गांव वालों के लिए सिस्टम क्या था जाने आने के लिए? गांव वालों का सिस्टम ये था कि गांव वाले जाते थे और बाहर से ही जो एक इसका गेट है वहीं से ही वहीं बैठ जाती थी पब्लिक। बाबा अंदर रहता था, कभी उसकी मर्जी होती थी तो उठ के आ जाता था और लोग बातें कह देता था, बाकी किसी को अंदर जाने की परमिशन बाबा की इजाजत के बगैर नहीं थी। अब बाबा जैसे फरार चल रहे हैं, क्या लगता है पब्लिक के सामने प्रशासन सामने आना चाहिए उनको? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। आप मान लो मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, या उसको बताना चाहिए कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें मैं दोषी भी नहीं हूँ, तो उसको बताना चाहिए, आना ही चाहिए। यदि दोषी नहीं है तो क्यों डर के बाहर क्यों भाग रहे हैं और कब तक भागेंगे? यदि दोषी है तो उनको पकड़ा भी जाएगा।